आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। बिहार में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट, नेपाल ने 10 से 15 जुलाई के बीच अलर्ट रहने को कहा। 102 एम्बुलेंस सर्विस में कोरोना का बड़ा संक्रमण, पाटलिपुत्र ऑफिस में 29 स्टाफ पॉजिटिव निकले। कोरोना से दहशत में नीतीश, सीएम आवास छोड़कर स्टेट गेस्ट हाउस में रहेंगे मुख्यमंत्री, जोर शोर से चल रहा काम। बिहार में वज्रपात से 6 लोगों की गई जान, बेगूसराय में सबसे ज्यादा 3 लोगों की। पटना मेयर सीता साहू पर भी कोरोना का खतरा, बेटे शिशिर की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का दावा, गैंगस्टर विकास दुबे बिहार घुसा तो बच नहीं पाएगा। बेली रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार शख्स की स्पॉट डेथ। बिहार में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी पर केस दर्ज, बिहारियों का अपमान करने का आरोप। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बिहार विधान परिषद बंद, 10 जुलाई तक नहीं खुलेगा कार्यालय। बिहार के लिए राहत की खबर, प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 324 कोरोना मरीजों ने जीती जंग, स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 9338। गया नगर निगम के डिप्टी मेयर कोरोना से जंग जीतकर लौटे घर, शहरवासियों ने किया जोरदार स्वागत। बिहार में अब यात्रियों को धूप में खड़े होकर बस का नहीं करना होगा इंतजार, ग्रामीण क्षेत्रों में 500 बस स्टॉप का होगा निर्माण। पटना में अवैध बालू निकासी को लेकर गोलीबारी, एक मजदूर की मौत। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य कर्मियों का फूटा गुस्सा, कोरोना जांच नहीं करने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद की झारखंड सरकार से मांग, कोरोना काल में बंद पड़े बसों का टैक्स किया जाए माफ। धनबाद में कोरोना से मरने वाली महिला के पति, पुत्र और पोती भी संक्रमित, जिले में संक्रमितों की संख्या पहुंची 200। बेगूसराय के डीओ के घर का अवैध हिस्सा तोड़ने का आदेश, 2 लाख रुपए का जुर्माना। पटना एम्स में 10 जुलाई से कोरोना की दवा का होगा ट्रायल, पहले फेज में 100 लोगों पर परीक्षण। गया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस, पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि का किया विरोध। पटना जंक्शन के पास जमाल रोड पर होटल में लगी भीषण आग, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।